जोहार झारखंड, जय झारखंड। आप सभी से आग्रह है, अनुरोध है, निवेदन है, कल 28 तारीख 10वां महीना 2024 को बेरमो विधानसभा से टेनूघाट अनुमंडल में मैं दूसरी विधानसभा सीट से अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने जा रहा हूं। कल 28 तारीख 10वां महीना 2024 बेरमो विधानसभा के लिए विधायक पद के प्रत्याशी हेतु अपना नामांकन दाखिल करने जा रहा हूं। बेरमो यानी एक ऐसा क्षेत्र जहां हमारे पूर्वजों की, जहां झारखंड के मूलवासी आदिवासियों की अनगिनत कोयला की खदानों में चीखें दफन हैं। आज वो चीखें कुछ बात करना चाहती हैं, आज वो चीखें अपनी आवाज को कहना चाहती हैं कि उनके साथ घटित क्या हुआ है और आज वर्तमान में हो क्या रहा है। इसलिए बेरमो का नामांकन केवल नामांकन नहीं है, याद रखिएगा कि बेरमो का नामांकन केवल नामांकन नहीं है, एक तरह से बेरमो एक आजादी की ओर अग्रसर है, वह आजादी जिसका बेरमो हकदार है। जी हाँ, क्यों नहीं हकदार होगा, आखिर ये राज्य बना क्यों था? यह राज्य शोषित वंचित पीड़ितों के उत्थान के लिए बना था, लेकिन आज भी झारखंड के मूलवासी आदिवासी, विशेषकर जो कोयलांचल की कोलियरी की क्षेत्र है, वहाँ आज भी शोषित वंचित और प्रताड़ित हो रहे हैं। तो बेरमो का मेरा ये नामांकन केवल नामांकन नहीं होगा साथियों, बल्कि आपकी आवाज और आपकी आंख उठकर बात करेगी, इस बात का प्रमाण होगा। बेरमो केवल नामांकन के दृष्टिकोण से मत देखिएगा, बेरमो केवल चुनाव लड़ने के दृष्टिकोण से मत देखिएगा, बेरमो एक आजादी की अनुभूति के दृष्टिकोण से देखिएगा। बेरमो का इतिहास बदलेगा, बेरमो इस बार कुछ नया करेगा, बेरमो इस बार एक नया कहानी गढ़ेगा। तैयार हो जाइए बेरमो के लिए। बेरमो यानी एक ऐसा विधानसभा जहां आज भी हमारे लोग शोषित वंचित आज भी उपेक्षित हैं, उस विधानसभा से मैं अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने जा रहा हूं। रूट चार्ट जहां तक सवाल है, रूट चार्ट आपका बेरमो साइड से निकलेंगे और टेनूघाट अनुमंडल नामांकन के लिए प्रवेश करेंगे, और साथ ही एक सूचना दे देंगे, हमारे धनबाद के जितने भी प्रत्याशी हैं कल एक साथ नामांकन करने जा रहे हैं, अतः उनके नामांकन में भी आधा घंटा पौन घंटा तक हम शिरकत करेंगे, इस बात कहेंगे। और साथ ही हमारे रिजवान दा भी अपने गांडे से नामांकन कर रहे हैं, जो भी गांडे के साथी हैं, गिरिडीह के साथी हैं, आप कृपया करके रिजवान दा के नॉमिनेशन में भी पहुंचेंगे, कल ही ये भी गांडे में कर रहे हैं गांडे का, इसलिए आपसे नम्र निवेदन होगा। बाकी सबको जोहार झारखंड, जय झारखंड, जोहार बेरमो। अंत में यही कहेंगे, एक तरफ औरंगाबाद का नेता, दूसरे तरफ गया का नेता, और उस दंगल में शामिल होगा पारसनाथ का बेटा। आशीर्वाद दीजिएगा, जोहार, नमस्कार, आदाब।